हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग मैंने शूट किया था 14th ऑफ अप्रैल को, उसके बाद मेरे एंड सेमेस्टर और सबमिशन स्टार्ट हो गए थे, उसी के वजह से मैं ये व्लॉग तभी डाल नहीं पाया। अभी मेरी एग्जाम खत्म हो चुकी है 9th ऑफ मई को, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू पुट वीडियोस मोर फ्रीक्वेंटली ऑन दिस चैनल। आई होप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड कीप लविंग एंड एंजॉय द व्लॉग। हेलो एवरीवन, टुडे इज 14th ऑफ अप्रैल और दो दिन यहाँ पर बिताने के बाद एक बात तो बिल्कुल समझ आ गई है कि यहाँ पर साइकिल बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से मेरा मेस कुछ 15 मिनट्स दूर है, चल के 15 मिनट्स लगते हैं और मेस में तो तीन बार जाना पड़ता है और बाकी जगह पे भी जाने के लिए, मेस तो सबसे नज़दीक है यहाँ पर, तो बाकी जगह भी जाने के लिए साइकिल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेस में, वहाँ पर लंच करने के बाद हम जाएंगे संगम ग्राउंड, वहाँ पर 3 दिन का साइकिल मेला है। देखते हैं उस मेले में जाके हमें साइकिल मिलती है कि नहीं, अच्छी वाली साइकिल लेंगे, बेसिक, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, बेसिक साइकिल लेंगे। तो चलिए मेरे साथ। सो एज़ पर दी इंफॉर्मेशन, संगम ग्राउंड में दो डीलर्स ने सेल लगाई थी। मैंने दोनों जगह के साइकिल्स चेक की बट देन आई डिसाइडेड टू गो विथ हरक्यूलिस क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा पसंद आई और वो एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। वहाँ वेरियंट्स तो ज़्यादा नहीं थे, 4-5 ही थे, बट IITM स्टूडेंट्स के लिए वहाँ डिस्काउंट था, सो बाहर लेने से अच्छा यही से लेना बेटर होता। तो मैं संगम ग्राउंड होके आया था अभी, वहाँ पर किसी ने बोला कि सेंट्रल लाइब्रेरी के पास एक साइकिल सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना सेकेंड हैंड साइकिल देखी जाए। सेकेंड साइकिल में बहुत दिक्कतें आती है, जैसे चेन या फिर टायर की दिक्कत, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं ले लूँ। यहाँ पर वैसे भी 1.5 साल तो निकालना है, 1.5-2 साल, तो फिर से चलते संगम ग्राउंड और वहाँ पर देखते कोई तो अच्छी वाली साइकिल खरीदेंगे। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप तो बहुत है और गर्मी भी बहुत है, और वहाँ पर मुझे और सामने मुझे एक नारियल पानी वाला दिख रहा है, नारियल पानी वाली है एक्चुअली, चेन्नई का नारियल पानी पीते हैं, देखते हैं कुछ अलग टेस्ट है या नहीं। थैंक यू। भाई इतनी खुशी, भाई बहुत मज़ा आया नारियल पानी पी के, एकदम डिहाइड्रेट फील हो रहा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि दो टाइप के नारियल पानी थे, नारियल थे, तो एक था येल्लो कलर में, येल्लो ऑरेंजिश कलर में, और एक था ग्रीन। तो मैंने उनको पूछा था कि क्या डिफरेंस है दोनों में, उन्होंने बताया कि जो येल्लो वाला है वो उसके मेडिसिनल यूजेस थोड़े ज़्यादा है, अल्सर्स वगैरह या फिर कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसके लिए वो बेटर है। द कैंपस इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, ये है हॉस्टल वाला सेक्शन, ये है पूरा एकेडमिक सेक्शन और ये है रेसिडेंशियल। मेन गेट है ऊपर, मैं रहता हूँ सिंधु हॉस्टल में मैं रहता हूँ और अभी है हम है यहाँ पर, ये रहा संगम ग्राउंड और संगम ग्राउंड से हम गए थे ऊपर ऊपर सेंट्रल लाइब्रेरी। तो भाई आप देख सकते हो कि कितना बड़ा कैंपस है, ख़त्म ही नहीं होता, इसके लिए साइकिल बहुत ज़रूरी है।
वापस आ गए हम संगम ग्राउंड पे। यही है वो साइकिल जो मुझे पसंद आई थी और यही मैंने खरीदी एट लास्ट। ये एक नॉन गियर साइकिल है, इसके फ्रंट में सस्पेंशन है और दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स प्रेजेंट है। इसकी मैंने एक टेस्ट राइड भी ली थी और ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। ये दिखने में भी बढ़िया है और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सही है, सो यही मैंने खरीदी। ये रही हमारी पहली राइड। साइकिल अभी खरीद चुके हैं और साइकिल ख़रीदने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। साइकिल का जो चेसिंग नंबर या कुछ भी रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको एडमिन में रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि आप कैंपस में इस साइकिल को यूज़ कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन तो आज हो नहीं पाया, लेट हो गया, तो कल रजिस्ट्रेशन करेंगे। तब तक सोच लिया कि एक राउंड क्यों ना मारा जाए। भाई बहुत सालों बाद साइकिल चला रहा हूँ, दम निकल गया। साइकिल खरीद चुके हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि और थोड़ा टाइम बचा है शाम के लिए, तो क्यों ना प्राइम मार्ट जाते, वहाँ पर मैं ब्लॉक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि प्राइम मार्ट कैसा है और वहाँ पे क्या क्या मिलता है। दो चार चीज़ें मुझे ख़रीदनी भी है, तो चलिए प्राइम मार्ट। ये रहा यहाँ का प्राइम मार्ट। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी अंदर। सो ये रहा IIT मद्रास का प्राइम मार्ट। ये हॉस्टल जोन में ही प्रेजेंट है, हिमालया मेस के बिल्कुल बगल में। यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। मुझे भी कुछ चीज़ें खरीदनी थी, सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड गिविंग यू अ टूर ऑफ दिस प्राइम मार्ट। सो दिखाता हूँ आगे जाके मैं और क्या क्या खरीदने वाला हूँ। मुझे एक डोर मैट खरीदना था अपने रूम के लिए, सो मैंने एक वो ले लिया। और वहाँ पर आप देख सकते हो पिलोज रखे हैं, उन्हीं में से एक मैं Day 1 पे लेके गया था और वही मैं यूज़ करता हूँ अभी। तो दिखने में काफ़ी छोटा दिखता है लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, चॉकलेट से लेके टॉयलेटरीज, फिर कपड़े आप देख सकते हो वहाँ पर रखे हैं, और बैकपैक्स देख सकते हो, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। मुझे कुछ गार्बेज बैग्स ख़रीदनी थी तो मैंने एक पैकेट उसका ले लिया। और वहाँ आप देख सकते हो मैट्रेसेस रखे हैं, इन्हीं में से एक मैं लेके गया था Day 1 को। और वैसे तो हॉस्टल में हर फ्लोर पे वाटर डिस्पेंसर्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन अगर आपको आपके रूम पे चाहिए होगा तो आप ये मैनुअल प्रेस पंप लेके जा सकते हो। सो ये रहा स्टेशनरी का सेक्शन। यहाँ पर आपको स्टेशनरी का हर एक सामान मिल जाएगा, पेन, पेंसिल्स, फाइल्स, एवरीथिंग। कपड़े सुखाने के लिए मुझे कुछ क्लिप्स की ज़रूरत थी, सो मैंने एक क्लिप्स का पैकेट ले लिया। वैसे कपड़े सुखाने की अच्छी व्यवस्था है हॉस्टल में, रस्सी वगैरह लगाई हुई है, आप अपने कपड़े धोकर सुखा सकते हो। वैसे मुझे याद आया कि सुखाने से पहले धोने तो पड़ेंगे, सो मैंने एक पैकेट टाइट डबल पावर का ले लिया, जैस्मिन वाला। हाँ, तो कपड़े धोकर सुखाने के बाद मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है। नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी मन करता है कॉफ़ी पीने का, तो इसलिए मैंने कुछ पैकेट्स ले लिए मिल्क पाउडर के और कुछ सैशे ले लिया कॉफ़ी के। और ये हुक मैंने लिया था, ये स्टिक कर सकते हो आप, तो ये हुक मैंने झाड़ू लटकाने के लिए लिया था।
और इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद भाई मुझे मैं तो एकदम ज़्यादा थक गया, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ पीने को ले लूँ, तो मैंने पल्पी ऑरेंज ले लिया। आई एम बैक इन माई रूम और आज का दिन काफ़ी बिजी था। अभी तो चिल मारूंगा, बाहर बहुत गर्मी है, 33 डिग्री सेल्सियस। मैं लंच के टाइम बाहर निकला था और अभी इट्स 5 इन द इवनिंग। ये कैंपस बहुत बड़ा है, 617 एकर्स, और साइकिल की बहुत ज़रूरत थी और डे टू पे मैंने साइकिल ले ली है। तो अभी मैं आपको कैंपस टूर और बाकी का पूरा कैंपस, जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखा पाऊँगा। तो देखते हैं कभी टाइम मिलता है, पहले मुझे भी ठीक से कैंपस देखना है, मैंने भी अभी ठीक से देखा नहीं है। बाय द वे, आज जो साइकिल मैंने ली है वो मुझे गिफ्ट किया है मेरे मामा मामी ने। जब भी मुझे IIT में एडमिशन मिला था तभी उन दोनों ने मुझे कहा था कि जिस दिन तू कैंपस ज्वाइन करेगा तो साइकिल की ज़रूरत तुझे लगेगी वहाँ पर, तभी हम दोनों मिलकर तुझे साइकिल गिफ्ट करेंगे। और हाँ, आज मैंने साइकिल ले ली है, सो थैंक यू सो मच मामा मामी। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे। आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और आपको और क्या क्या देखना है वो भी बताना, मैं ट्राई करूँगा कि वो सब मैं आपको दिखा पाऊँ। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे लाइक बटन है उसे दबाइए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। बनी रहिए इस चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।